क्वेश्चन एक्सपेंड 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम एक्सपेंड करने के लिए इसमें एलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे। इसमें यूज होगा ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो और इसको हम लिख सकते हैं ये 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। और फिर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करेंगे। तो इसको सपोज ए लेते हैं, इसको बी और सी, और फिर हम इसमें पुट कर दें। तो ए के प्लेस में 2x है तो ये होगा 2x होल स्क्वायर प्लस बी के प्लेस में है माइनस वाई तो ये माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड होल स्क्वायर। और फिर 2ab 2 इंटू 2x और बी के प्लेस में है माइनस वाई प्लस 2bc 2 इंटू बी के प्लेस में माइनस वाई और सी के प्लेस में है जेड प्लस 2c तो ये होगा 2z इक्वल टू और 2x का होल स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस और माइनस वाई का होल स्क्वायर तो माइनस वाई होल स्क्वायर। तो इसका मतलब y माइनस वाई इंटू माइनस वाई और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस होगा और y को y से करने से तो ये y स्क्वायर तो ये होगा y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसमें पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये माइनस और ये प्लस तो प्लस माइनस माइनस और फिर कांस्टेंट नंबर को तो ये होगा फोर और फिर वेरिएबल और ये होगा टू वाई जेड और लास्ट वाला टर्म होगा फोर जेड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।